Assalamualaikum and welcome to another vlog. और आज का vlog भी हमारा travel vlog है और आज हम लोग जा रहे हैं space center. और ये space center कहाँ है, कितना time लगेगा सलाव से और क्या सीन है आगे, तो वो मैं आपको कार में बता दूँ. रुको, ज़रा सब्र करो, अभी हमें लगी है भूख. और जब नाश्ते की बारी आए तो चाय वाला से बेहतर क्या हो सकता है. तो चाय वाला एंटर हुए और थोड़ा सा माहौल को देखा. माहौल बहुत ही प्यारा था और सोचा कि हम कुछ ऑर्डर करते हैं. और ऑर्डर किया हमने एक, और ब्रेकफास्ट में हमने ऑर्डर किया है ऑमलेट रैप और कड़क चाय, जो कि इनकी फेमस है. तो वही हम ट्राई कर रहे हैं और फिर खा के बताते हैं वो कैसा लगा. सो ये रहा हमारा दी फैंसी ऑमलेट रैप, जो कि देसी ज़ुबान में अंडा पराठा कहलाता है. चाय वाला, इसको मेन्यू में अपडेट कर लो यार. सो लेट्स ट्राई इट. ये टेस्ट में कैसा है? टेस्ट में एवरेज ही था. और यहाँ पर हंसी इस बात पर आ रही थी कि इस पर हमने 6 pounds लगाए और जज्बाती होकर 4 ख़रीद लिए थे. तो फिर हमने किया अपने जज्बात पर काबू और अपने सफ़र को किया कॉन्टिन्यू विद कड़क चाय. बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से ये चाय पी लूँ मैं, लेकिन ये जो गाड़ी बार बार मूव हो रही थी उसकी वजह से बहुत मुश्किलात पेश हो रही थी. बहुत मुश्किल पेश हो रही है बॉस. बॉस, बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे. उस सो कॉल्ड देसी ऑमलेट के बाद इस चाय ने चस करा दी. इस देसी ऑमलेट के बाद तो कड़क चाय सूट करती है ना. ओ भाई, ये जो बादलों का व्यू आ रहा था ना, इसको लफ्ज़ों में मैं कैसे बयां करूं? बस यही सोचते सोचते ख्याल आया कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं. ये जो ट्रेन की विंडो सीट से कार की विंडो सीट वाली ट्रांजिशन, ओहो, मेरे सभी जर्मनी वाले दोस्तों के लिए. सही कहा ना दोस्तों? बस फिर इसी व्यू को एंजॉय किया और थोड़े बहुत और क्लाउड्स देखे और तकरीबन 4.5 घंटे में हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन में. तो जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं स्पेस सेंटर और ये रहा मेरे पीछे स्पेस सेंटर. और यहाँ पे हम एंटर होंगे और एंटर होने के बाद 350 पे हमने एक शो भी बुक किया हुआ है. तो जो शो है वो, उसकी डिटेल्स तो मुझे नहीं दी, लेकिन हम देखते हैं अंदर शो किस चीज़ का है. स्पेस रिलेटेड कुछ होगा, तो मिलते हैं फिर अंदर. तो ये मेरे पीछे स्पेस सेंटर है और बस अब हम इसको एंटर करने लगे हैं. इसका नाम लिखा है नेशनल स्पेस सेंटर. तो इतनी सी जगह है, मतलब इतनी सी तो नहीं, हमें तो बड़ी लग रही है. अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है. पीछे जो भी आपने अभी देखा है वो सारा उन्होंने बताया हुआ है कि ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, लिविंग कैसे करते हैं, किस सूट में करते हैं, लॉन्चिंग किस सूट में होती है. तो अच्छा उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ सारा.
पजल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए बच्चों के लिए रखा हुआ है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पता है क्या है? ये इनके वॉशरूम के लिए है। तो मैं तो देख के हैरान ही रहा ये सारा कुछ कि ये चीज़ें ये वगैरह खाते हैं, ये इनका टूथपेस्ट है और ये इनकी बेसिकली ग्रॉसरी टाइप चीज़ है। तो ये वाली खाने की मेन्यू देख के मैं तो डर गया, मैं तो नहीं जा रहा। और ये सारे बटन आप दबा सकते हो बट कोई भी वर्क नहीं करता। मैं भी सारे बच्चों की तरह सारे दबा दिए हैं, मैं सब दबा दिए हैं, वॉच में कोई नहीं खुल रहा। ये सारा स्पेस कैसा लगा आपको? अंदर से और बटन से मेरे ख्याल से प्रेस कर तो ये सारा कुछ। उसके बाद हमारे लेफ्ट साइड पे ये सारे बटन हैं, सारे वर्किंग है। लेट्स गो। अंदर से कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी चीज़ कंफर्टेबल नहीं है। ये भी नहीं, तो टाइम हो चुका है 3:40 और एज 3:50 पे हमारा शो है। तो उन्होंने कहा कि शो से 10 मिनट्स पहले इस क्यू में आप खड़े हो जाएं ताकि आपको सही पर टाइम पे अपना शो देखने का मौका मिले। तो हम क्यू हो गए हैं। सैडली हर अच्छी चीज़ को रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है और इसको भी कॉपीराइट क्लेम थे। तो बहुत मुश्किल से मैंने थोड़ी बहुत फुटेज ली है और वाकई बहुत मज़े का सीन था ये, बहुत मज़े का शो था, बेटर देन हैरी पॉटर। ये सारा का सारा 3D में मूव हुआ है, मतलब सारी की सारी सीट्स मूव हुई हैं इकट्ठे। और ये 360 कैमरा था, कैमरा सॉरी स्टैंड। और ये वही वायरस का पेन है, आपको याद तो आ गया होगा, सिंबल ऑफ एक्सीलेंस। जो मज़े की टेक्नोलॉजी मुझे मज़े की लगी ना वो ये साउंड वाला काम है। देखो यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, बट जैसे ही हम इसके नीचे आएंगे स्टार्स आउटग्रो ईच अदर, दे गेट टायर्ड ऑफ ईच अदर।
यहाँ पे मैं कुछ जीतो पाकिस्तान वाला शो करने की कोशिश कर रहा था, जिसके से बहुत गंदी गंदी आवाजें, तो मैंने कहा छोड़ो इसको, ऐसे ही सीधा कर दो। भाई यहाँ पे एंटर हुआ मैं और एग्जैक्टली मुझे फील आ रही थी जैसे कि मैं कोई स्पेस शटल को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मैंने भी बच्चों की तरह इधर उधर सारे बटन दबाए, ये इधर से ये हिलाया, उधर से वो हिलाया और थोड़ी बहुत फील आई, तो बस फिर ये किया, उसके बाद फिर दोबारा से आगे गया। इस बार कोशिश की कि बिल्कुल सब भी खींच दे तो देखता हूँ क्या होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम बस थोड़ा सा पीछे आ गए वापस अपनी अर्थ पे। ओहो अनफॉर्चुनेटली हमने इसे अभी ग्राउंड फ्लोर भी पूरा नहीं देखा था और टाइम ख़त्म हो गया है, एज इट्स 5 और इन्होंने कहा क्लोजिंग टाइम 5 था और हमें पता ही नहीं थी ये बात। सो सैड। ओवरऑल जो था एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। हर चीज़ के ऊपर ना इन्होंने हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ एनिमेशन की हुई थी, कुछ ना कुछ फिजिकल बटन्स वगैरह लगाए हुए थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। अभी तो हमारा ग्राउंड फ्लोर भी नहीं हुआ था तो टाइम ख़त्म हो गया, उस चीज़ का बहुत अफसोस है, बट बहुत मज़े की जगह है, मस्ट विजिट। तो डू लेट मी इन कॉमेंट्स कि आपको अंदर से कैसा लगा और क्या आप इसको विज़िट करना चाहोगे या नहीं। तो जो स्पेस सेंटर का विज़िट है वो यहीं पे हमारा एंड होता है। अब हम जा रहे हैं कुछ एक्सप्लोर करने, कुछ खाने पीने और फिर खाने पीने के टेबल पर।